क्योंकि उसमें संस्कार, उसमें व्यक्तिगत चरित्र, उसमें राष्ट्रीय चरित्र, ऐसे भाग रखे जाने चाहिए थे। कोई भी पुस्तक उठा के देखे, चाहे विज्ञान की हो, चाहे इतिहास की हो, चाहे साहित्य की, क्या भारतीय वैज्ञानिकों का, क्या भारतीय इतिहासकारों का, क्या भारतीय महा जो विषय आज चल रहा है इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। 5-7 मिनट अगर आपके दिमाग में कोई बात घर कर रही हो, कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो रही हो, इस विषय संबंधित आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी जितनी जानकारी होगी मैं उसको बता पाऊंगा। इसी के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद कि आप सबने बहुत धैर्यपूर्वक जो ऐसे छोटा छोटा मैंने बोला है उसके लिए मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूं। हेलो, थोड़ा सा हाँ डिस्कस कर लीजिए आपस में, लेकिन जैसा कि अभी आपसे पूछना गया है किसी प्रकार की मन में कोई शंका हो या कोई सुझाव भी हो जो कि आपको लगे कि मैं दे सकती हूँ तो आप वो भी दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही जिस विषय पर आज हमारे भाई जी ने बात की, मुख्यतः जो मुझे लगा उन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि चरित्र की परिभाषा मात्र एक सर्टिफिकेट नहीं है। एवरीबॉडी बिजी कि सर्टिफिकेट मिल जाए, हम जिंदगी भर सर्टिफिकेट लेके नौकरी की बात है तो वो तो सर्टिफिकेट है, करेक्टर जो है, चरित्र जो है वो एक चरित्र प्रमाण पत्र के लिए मोहताज नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज जो एक सबसे बड़ी स्वतंत्रता से समय, जब एक मिनट मैडम प्लीज, हम लोग सब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जिस समय हमारे देश के अंदर लोगों ने घुसना शुरू, घुसपैठ शुरू कर दी थी, उस समय हमारे देश की आंतरिक जो व्यवस्था थी वो इतनी जीर्ण हो गई थी कि हम राजा लोग आपस में एक दूसरे के जनपद और राज्य के लिए कट मर रहे थे और दुश्मनों से हमने तुरंत हाथ मिला लिया। उसी तरह जिस तरह भाषा के समझौते में हम जैसे ही स्वतंत्र हुए हमने अंग्रेजी के साथ अपना हाथ मिला लिया और अपनी भारतीय परंपरा को बिल्कुल खत्म करते हुए मातृभाषा हिंदी या जितनी क्षेत्रीय भाषाएं थी उनको पीछे कर दिया। आप अगर साउथ में भी जाएंगे तो इंग्लिश बोलने को मिलेगा, वहां वो अपनी भाषा के लिए वैसे बोलेंगे लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं का भी दमन उसी समय शुरू हो गया। क्षेत्रीय भाषाओं का दमन हुआ, ममता का गला फूटा और विदेशी ताकतों ने हम पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। ये बहुत ही विचारणीय विषय है और ये विषय केवल ये नहीं कि हम इतिहास के पन्नों को पलटते रहे और उनकी चर्चा करते रहे, अरे वर्तमान में जीना है तो भी हमें अपनी व्यवस्था को संभालने के लिए परिवार से लेकर राष्ट्र तक सोचना है। क्योंकि जो बहुत अच्छी बात थी उसका आप लोगों ने जवाब दिया, कई जितने भी लोग बोले थे ना कि दादी बाबा का कमरा है उसका 50 साल से उम्र के ऊपर के लोग थे, क्या 50 साल के थे? आज 22 साल, 24 साल, 30 साल का लड़का अपने माँ बाप के लिए भी कमरा देने की इच्छा नहीं रखता और अगर माँ बाप के साथ रहता है तो माँ बाप उसका बेडरूम उसको देते हैं, वो बच्चा अपने माँ बाप के लिए किराए के मकान भी अगर देता है तो ये नहीं कहता कि ये मैंने कमरा अपने मम्मी पापा के लिए रखा। नहीं नहीं, मैं बात आपकी नहीं कर रही, मैं जनरल बात कर रही हूँ, इससे एक मिनट जनरल बात है जो हमारा आज व्यवसायीकरण की जो बात हुई है जिसमें हमारे बच्चों को नौकरियां मिल रही है और वो किराए के मकानों में जब बेचारे दो दो कमरों के मकान लेके रहते हैं उस समय की उस व्यवस्था की बात कर रही हूँ जिसमें हम भविष्य देख रहे हैं। मैं आपसे आपकी बात कर ही नहीं रही हूँ, पीछे बैठे हुए जो युवा वर्ग हैं हम ये बात उनके बारे में कर रहे हैं कि आपको बच्चों आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि मात्र 10 लोगों के कहने से कि देश की व्यवस्था बहुत अच्छी है वो तो आप ही चला रहे हैं देश को। जहाँ बुराई होती है, गुरु नानक जी ने एक बात कही थी कि एक गाँव में गए वो तो उस गाँव में किसी ने पानी तक के लिए नहीं पूछा, जब वो चलने लगे तो उन्होंने आशीर्वाद दिया गाँव के लोगों को कि आप सब लोग यहाँ बसे हैं, यही है भगवान की कृपा है और आप बसे ही रहे क्योंकि आओ बहुत किसी ने भी नहीं, फिर भी उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर जब दूसरे गांव में पहुंचे तो वहां क्या हुआ, गांव के लोग दौड़े, किसी ने पानी की, किसी ने खाने की व्यवस्था की,
अच्छे लोगों को समाज में भ्रमण करते रहना चाहिए। ये चर्चा ये विवाद का विषय नहीं है कि हमारे ऐसा नहीं होता, हमने ऐसा नहीं किया, हमने वैसा नहीं किया, ये नहीं होता विषय। विषय ये है कि हमें एज ए होल राष्ट्रीय भावना से सब चीज को देखना है। तो मैं तो तय नहीं करूंगी, यहाँ बैठे हुए 10 लोग नहीं तय करेंगे, पूरे राष्ट्र के अंदर जब तक ये चीज चर्चा में आप ही लाओगे कि देखो मैंने अपने घर में, मैं सास ससुर के साथ रही, आप अपने बच्चों से कहेंगे, मैं दादी तक को रखता हम लोग साथ रहे, बल्कि अगर ये बात बोलो तो कितना अच्छा रहे कि मैं अपने माँ बाप के, हम अपने माँ बाप के घर में रहते हैं। मुझे याद भी याद है, मम्मी मेरी हमेशा कहती थी कि हम तो अपने ससुर जी के साथ रहते हैं, हम तो अपने ससुर के घर में रहते हैं। और आज मैं भी यही बात जब कहती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि मैं जब भी अपनी ससुराल जाती हूँ या वैसे अभी भी मैं कहती हूँ कि हम तो अपने माँ बाप के घर में रहते हैं। अगर उन्होंने हमें ना पढ़ाया लिखाया होता और आज वहां ना खड़ा हुआ किया होता तो क्या हम ये कह पाते? और आज हम क्या कहते हैं, हमने 350 गज का प्लॉट खरीद लिया है और हमने वहां पर अपना बना, मैंने अपना मकान सेक्टर इसमें बनाया है। तो यहाँ मैंने भी जगह ये शब्द आ जाता, संस्कार की बात है कि हमारे परिवार ने मिलकर के मकान वहां बनाया है। ये संदर्भ में भाई साहब ने इस विषय पर आपसे बात की थी, उन्होंने ये नहीं पूछा था आपका मतलब, हम लोग क्या होता है इंडिविजुअल हो जाते, इतनी देर से तो यही बात कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष और राष्ट्र, व्यक्ति विशेष और राष्ट्र, व्यक्ति कुछ नहीं होता, एक समूह व्यक्ति के महत्व को बढ़ाता है। ये जो समूह बैठा है ये व्यक्ति के महत्व को बढ़ाता है, व्यक्ति अपने में कुछ नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले सर्वोपरि राष्ट्र है, इसीलिए हम वंदे मातरम बोलते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत उनके वक्तव्य का। और एक बैठी सुन रही थी तो मुझे एक चीज याद आई गुरु जी की कि जीवन की अवधि का नहीं उसकी उपयोगिता का महत्व तो होता है। हमारे पास जो जीवन है उसको हमने कितना उपयोगी तरीके से जिया है वो महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारे दादाजी ने 102 साल की उम्र ली थी या 100 साल की उम्र ली। बात तो ये है अगर 28 साल में 30 साल में विवेकानंद जा सकते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जा सकते हैं और इतना सब कुछ देखे चले जाते हैं तो महत्वपूर्ण तो 30 साल के ना कि 102 वर्ष। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब के वक्तव्य का। मैंने तो पूरा आनंद लिया और उसको सीखा भी बहुत कुछ, इनसे मैंने बहुत कुछ चुरा लिया जो आगे वक्तव्य में भी मैं बात कर सकती। जय हिंद जय भारत। अभी तक हम लोगों ने मुख्य रूप से जिन विषयों पर बातचीत की है, जिन विषयों के ऊपर हमने मंथन किया है, उन विषयों को हम छोटे समूह में अपनी अपनी रुचि और अभिरुचि के अनुसार उसका संवाद करेंगे और उस संवाद में से जो कुछ निकल कर आएगा उसको यहाँ प्रस्तुत करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 5 कोशों के विषय में और बातचीत की है, संवाद किया है। एक है अन्नमय कोश, जिसमें अपना शरीर उसका संवर्धन पोषण इत्यादि, शरीर के विषय में तो कहा है शरीर माध्यम सब धर्म साधन करें कि सब समूहों में लगभग बराबर की संख्या है। कितने लोग गुण होंगे यहाँ पर? 10 समझता हूँ 100 के लगभग तो रहे होंगे। 70 है। 100 ना। हाँ तो 10 लोग एक उसमें और 16 तक आ गए। नहीं 6
जो इनका